नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स जैसे लोअर बैक पेन्स, हिप्स पेन्स, नीज प्रॉब्लम, साइटिका की समस्या, एंकल प्रॉब्लम जैसी अनेक समस्याएं रहती हैं, अगर कुछ आप सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथन को बढ़ा सकते हैं। और लोअर बॉडी से संबंधित कोई भी समस्या जैसे हिप्स पेन हो, नीज प्रॉब्लम हो, साइटिका की समस्या हो, की समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि लोअर बॉडी प्रॉब्लम की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथन को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को, अपने पंजे को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटने को आपने गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम आपने क्लॉक वाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉक वाइज। दूसरे पैर से फिर विपरीत दिशा में। फिर सीधे इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे घुमाना है और फिर विपरीत दिशा में। इन्हें करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाने और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठना है और सीधे देखते हैं। ऐसे ही उत्कट आसना को आप 8 से 10 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारी कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास हिप्स पेन, नीज पेन, एंकल प्रॉब्लम को दूर करता है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे उत्तान आसना। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर रुके, 10 सेकंड रुके, फिर सीधे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार कीजिए। बॉडी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। 10 सेकंड ऐसे ही रुके, फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाइए और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से सांस अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाइए। फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।